रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने जाना था कि डेटा क्या है, ठीक है, डेटा की टाइप्स क्या थी, हमने वो जाना क्लियर। और उसके बाद फिर हमने लास्ट में आपको डेटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान जो डिफरेंस था मैंने आपको वो बताया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू डिफाइन द नंबर सिस्टम दैट आर यूज इन कंप्यूटर। और जो हमारी डेली आजकल तो हम पूरी लाइफ में हमारे पास नंबर्स हमारी लाइफ जो है कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो हमारे नंबर्स का यूज़ ज़्यादा होता है। तो नंबर सिस्टम पहले हम जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वान्टिटीज इज नॉन एज नंबर सिस्टम। जो मुख्तलिफ किस्म की क्वान्टिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में कई टाइप्स है जो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन कंप्यूटर जो हमारे पास नंबर सिस्टम यूज़ करता है, जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज जानता है, वो हम जानते हैं कि वो हमारे पास सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जानता है, जिसे हम 0 और 1 की लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ वो लैंग्वेज जानता है। तो दूसरे नंबर्स का इस्तेमाल हम करके कंप्यूटर कैसे जानता होगा, ठीक है। तो जाहिर है कि जब कंप्यूटर एक चीज़ जानता है, हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर वगैरह यूज़ करते हैं और वहाँ पर हमारी लैंग्वेज जो कन्वर्ट हो रही होती है। अगर हम मिसाल के तौर पर 0, 1, 2, 3 लिख रहे हैं तो 2, 3 तो उसको नहीं पता, वो सिर्फ 0 और 1 जाता है। 2, 3 किस में कन्वर्ट होंगे, 0 और 1 में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर द डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स ऑल काइंड्स ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन बाइनरी नंबर्स। जो आपका कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल ही होता है कंप्यूटर आपका, तो रिप्रेजेंट करता है ऑल काइंड्स ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन बाइनरी नंबर्स। इट इंक्लूड्स, उसमें शामिल आपकी ऑडियो भी हो सकती है, आपकी ग्राफिक्स भी हो सकती है, आपकी वीडियो भी हो सकती है, आपके टैक्स भी हो सकता है, आपके नंबर्स भी हो सकते हैं। वो तमाम तक डेटा आपको किस में कन्वर्ट होगा, आपका तमाम तक, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, मैं आप कंप्यूटर को नहीं पता मैंने नंबर सिस्टम लिखा है, जब मैं लिख रहा हूँ इस पर नंबर सिस्टम, तो कंप्यूटर जो है इसको कन्वर्ट कर रहा होगा किस में, बाइनरी नंबर्स में। उसको नहीं पता नंबर क्या है, NUMBER क्या है, उसको नहीं पता, उसको हर नंबर का एक स्पेसिफिक बाइनरी कोड पता होता है, ठीक है, बाइनरी कोड 0-1 की लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो कंप्यूटर उस पहले उसको कन्वर्ट करता है अपनी बाइनरी लैंग्वेज में, फिर वो समझता है अच्छा ये नंबर है, ठीक है, इस पर सिस्टम लिखा हुआ है। तो पहले एस को कन्वर्ट करेगा अपने बाइनरी कोड में, फिर वाई को, फिर दोबारा एस को, फिर टी को, फिर ई को, फिर एम को, ठीक है, इस तरह जानेगा कंप्यूटर, ठीक है। तो कोई भी आपका डेटा हो, आपका टैक्स हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो, आपके नंबर्स हो, आपका अल्फाबेटिकल डेटा हो, किसी भी तरह का आपका डेटा हो, कंप्यूटर जानेगा इन दी फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स जानेगा, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज इन नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स बेस और रेडिक्स। अच्छा, टोटल नंबर जो उसमें सामान हो रहा होता है उसको हम बेस बोलते हैं या रेडिक्स बोलते हैं, क्लियर है। तो इसको हम किस तरह देखेंगे, अच्छा आपको ये भी क्लियर होगा कि हम इसी टाइप्स पढ़ेंगे, बेस क्या होती है या रेडिक्स उसी को बोलते हैं बेस को, तो क्या होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देख लें आप, कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में सबसे पहले बस बाइनरी आ जाता है, फिर ऑक्टल आ जाता है, फिर डेसिमल आ जाता है, फिर बस हेक्साडेसिमल आ जाता है, क्लियर है, ठीक है। हाँ बस क्या आ गया पहले, अब ये बाइनरी नंबर आ गया पहले, फिर हमारे पास क्या आ गया, ऑक्टल नंबर आ गया, फिर हमारे पास डेसिमल नंबर आ जाएगा, फिर हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा, क्लियर है। नंबर सिस्टम की सिर्फ 4 टाइप्स हैं जो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, है बाइनरी, ठीक है, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब जो वहाँ पर नंबर उसके बेस की बात हो रही थी वो आपको यहाँ पर क्लियर होगी, अब देखिए। अच्छा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम हैज 2 नंबर्स, बाइनरी नंबर सिस्टम के पास कितने नंबर्स होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं। कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 0 and 1, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय बेस 2, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय बेस 2। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेस 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ, जो हमारा डेटा होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में। क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिससे हम कहते हैं 0-1 वाली लैंग्वेज, और उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, कंप्यूटर अंडरस्टैंड
ओनली सॉरी बाइनरी या मशीन लैंग्वेज, मशीन भी बोलते हैं या लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग सही कर देते हैं, क्लियर है, ठीक है। अच्छा तो कंप्यूटर, ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि कंप्यूटर जो जानता है लो लेवल लैंग्वेज जानता है, जैसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, और कि आपको मैं बता चुका हूँ कि किस तरह कन्वर्जन होती है। पहले हमें हमारा डेटा हमेशा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल आपको जो नंबर दिया हुआ यहाँ पर, अब इसमें आप देखिए 10 के अलावा कोई नंबर नहीं है, ठीक है, 10 के अलावा आपके पास यहाँ कोई भी नंबर नहीं है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं, 0 एंड 1, और बेस इसकी क्या है, 2। अब देखिए बेस लगी हुई यहाँ पर, 2 ये बेस 2 लगी हुई है इसकी यहाँ पर, तो इसी को बोलते हैं बेस। अगर मैं आपको ये नंबर दे दूँ, बोलूँगा बताओ भाई कौन सा नंबर है आपको, मैं बताऊँ, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँ, मैं आपको बताऊँ नहीं ये कौन सा नंबर है, और मैं आपसे ही पूछ लूँगी बताएं भाई ये कौन सा नंबर है, आप फौरन नंबर देख के उसकी बेस देख के पहचान जाएंगे भाई ये बाइनरी नंबर है सर, ठीक है। आपने किस क्या देखा, फौरन आप बेस देखेंगे, जब भी आपको कोई पूछे ना कि कौन सा नंबर है, तो उसकी बेस वहाँ पर ज़रूर गिवन होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ ना आपका, अगर आपके पास अल्फाबेट्स में आपकी वर्डिंग में कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, आपको सिर्फ ये चीज़ दे दी जाती है, ठीक है, आपको सिर्फ ये चीज़ दे दी जाती है और बोला जाता है आपको भाई ये नंबर बताएं क्या है, ठीक है। तो आप फौरन बेस देखिएगा, बेस क्या है, 2 है। आपने बोला बेस वही 2 तो बाइनरी नंबर सिस्टम की होती है, अच्छा ये बाइनरी नंबर है, तो आप फौरन बता देंगे आपकी बाइनरी नंबर, क्लियर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ 8 नंबर्स फ्रॉम 0 to 7। आपके पास जो 0 से लेकर 7 तक के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास किस में होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में होते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 8 बेस से, क्योंकि 0 से लेकर आप काउंट करें ज़रा, 0, ठीक है, 1, 2, 3 और ऐसे एंड सो ऑन 7 तक के जाना है आपको। तो 7 तक के आप 0 से गिनेंगे तो 8 कहाँ पर आएगा, 8 आपका 7 पर आएगा, तो बेस इसकी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्लियर है ना, समझ गए ना बात मेरी। कि अगर आपने मिसाल के तौर पर 0 से लेके 4 गए, आपने यहाँ 4 लिखा और यहाँ फिर आपने 5 लिखा और यहाँ पर आपने 6 लिखा, अब इसको गिनना शुरू कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो बेस कितनी आएगी इसकी, 8 आएगी, क्लियर है, इसकी बेस क्या आएगी, 8 आएगी, क्लियर है। तो इसकी ऑक्टल नंबर की जो बेस होती है हमारे पास वो 8 होती है, जिसकी हमने आपको एग्जांपल में आपको दिखाई दी है यहाँ पर। अब इसमें देखिए आप कोई भी नंबर इस यहाँ से 8 से ऊपर नहीं जा रहा है, इस नंबर इस एग्जांपल में कोई भी नंबर यहाँ पर 8 से ऊपर नहीं है, देखिए 1 है, 7 है, 5 है एंड 2 है, ठीक है, 1 है, 7 है, 5 है एंड 2 है, कोई भी नंबर 7 से ऊपर नहीं है, 8 भी नहीं है, 8 क्या है, इसकी बेस है, 8 नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन बेस इसकी क्या है, 8 है। तो इस तरह के नंबर जब भी आपको दिखें तो आप फौरन बेस देखिएगा, उसकी बेस देखिए आप पहचान जाएंगे क्या है भाई कोई भी आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन, भाई बताएं कि ये क्वेश्चन कौन सा, यानी कौन सी नंबर सिस्टम की टाइप है, तो आप फौरन उसकी क्या देखेंगे, बेस देखेंगे, ठीक है। अब उसकी बेस क्या है, 8 है, और वहाँ पर कोई नंबर आपको 7 से ऊपर दिख भी नहीं रहा, ठीक है, देखिए 1 है, 7 है, 5 है, 2 है, 8 कोई नंबर नहीं है, 7 से ऊपर कोई नंबर जा ही नहीं रहा, तो इट्स मीन्स दैट ये कौन सा नंबर है, ये ऑक्टेट नंबर सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज 10 नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 1 एंड सो ऑन, ठीक है, कितने सो ऑन मतलब टिल 9, सो ऑन तो नहीं कहेंगे, टिल 9, ठीक है। अब आप जब गिनना शुरू करेंगे ना तो 0 पर क्या आएगा, 1, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसकी बेस 9 पर आप जब पहुंचेंगे तो आपके नंबर कितने हो जाएंगे, क्योंकि जब हम काउंट करते हैं 0 से काउंट नहीं करते, हम तो 1 से काउंट करते हैं, लेकिन नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो 9 पर जो आएगा, जो आप काउंट आपकी काउंटर वैल्यू आएगी वो आपके पास होगी 10, सो इट मीन्स दैट इसकी बेस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब इसकी डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखें, जो हमने अभी देखी थी, अभी हमने लास्ट टाइम में कौन सा, अभी हमने
फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था नेटवर्किंग का, उसमें हमने आईपी एड्रेसेस पढ़े थे और आईपी वर्जन 4 एड्रेस, आईपी वर्जन 4। अब वो आईपी वर्जन 4 पढ़ते हैं, एक आईपी वर्जन 6 भी होता है ठीक है, लेकिन हमने आईपी वर्जन 4 पढ़ा था। आईपी वर्जन 4 में, आईपी वर्जन 4 में मेरे पास मिसाल के तौर पर ये एड्रेस था। अभी आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछता ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, आपको याद होना चाहिए ये ठीक है। तो ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, क्लास सी का। अब आप इसमें देखें, अब इसमें आप गौर करें, कोई भी नंबर 9 से ऊपर नहीं जा रहा, कोई भी नंबर इसमें 9 से ऊपर नहीं जा रहा। देखें 1 है, 9 है, 2 है, 1 है, 6 है, 8 है, डॉट फिर 1 है, फिर 1 है। तो कोई भी नंबर इसमें 10 से ऊपर नहीं, 9 से ऊपर नहीं है ठीक है, कोई भी नंबर इसमें क्लास सी का एड्रेस है ठीक है। तो इसमें आप देखें कोई भी नंबर ऊपर नहीं है, किससे 9 से ऊपर नहीं जा रहा कोई भी नंबर। तो ये मेरी कौन सा नंबर सिस्टम के लाएगा, मैं बट डेसिमल नंबर सिस्टम के लाएगा। बेस क्या होगी, 10 होगी। आप फौरन बेस देखिए, जैसे आपको यहाँ पर नंबर गिवन है 1792 ठीक है, कोई भी नंबर 9 से ऊपर नहीं है, 7 9 से छोटा है, 2 9 से छोटा है, 1 9 से छोटा है ठीक है, लेकिन 9 से कोई बड़ा नंबर आपको यहाँ नहीं दिख रहा, बेस आपको क्या दिख रही है 10। तो आप फौरन बेस देखें और पहचान जाएं, बोले भाई कोई भी आपसे पूछे कौन सा नंबर सिस्टम, फौरन बेस देख के बता देंगे क्या भाई बेस लगी हुई 10, इट मीन देखिए कौन सा नंबर है मेरे पास, ये मेरे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर है। इसके बाद लास्ट जो नंबर सिस्टम की टाइप है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है 16 नंबर्स फ्रॉम 0 टू 15 ठीक है, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय बेस 16 ठीक है। अच्छा, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वहाँ पर 16 नंबर्स होते हैं 0 से लेके 15 तक, जब हम काउंट करेंगे तो उसको कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे ठीक है, 0 से लेके 15 तक, 0 से लेके 15 तक, 0 टू 15 ये लिखा हुआ अभी है, फ्रॉम 0 टू 15 ठीक है। तो आपके पास 0 से लेके 15 तक के नंबर होते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप 0 पे पहुँचेंगे 0 ही लिखेंगे, सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे ही आप 10 पर पहुँचेंगे आप 10 नहीं लिखेंगे यहाँ ठीक है। अब यहाँ पर अल्फाबेट्स होते हैं, यहाँ पर 10 जो होता है हमारे पास A के बराबर होता है, किसके बराबर होता है A के। अब यहाँ पे लिखेंगे आप A ठीक है, ठीक है। अब जैसे आप 11 पे पहुंचेंगे तो आप लिखेंगे B ठीक है, आप C पे पहुंचेंगे तो आप 12 नहीं लिखेंगे, आप 12 नहीं लिखेंगे, आप C लिखेंगे यहाँ पर। जैसे आप 12 पे पहुंचे तो आप क्या लिखा यहाँ पर C। अब 13 पे पहुंचे तो आप 13 को किससे लिखेंगे, D से, यहाँ पर 13 जो होता है वो D होता है ठीक है। इसके बाद E, आप 14 पर पहुंचेंगे तो E लिखेंगे ठीक है, क्योंकि यहाँ पर E को 14 को हम बोलते हैं ई, हेक्साडेसिमल है ना, हेक्साडेसिमल में 0 टू 9 तो डेसिमल नंबर होते हैं ठीक है, 0 टू 9 तो जैसे नंबर्स होते हैं वैसे ही लिखते हैं, लेकिन जैसे हम 10 पर पहुंचते हैं तो हम 10 को बोलते हैं A ठीक है, 12 को हम बोलते हैं, 11 को हम बोलते हैं B, 12 को हम बोलते हैं C, 13 को हम बोलते हैं D, 14 को हम बोलते हैं E, एंड 15 को बोलते हैं F, 15 को क्या बोलते हैं F। तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। आपका आई पी वर्जन 6 जो है ना वो इसी की एग्जाम्पल है, आई पी वर्जन 6 में आपके पास ना इसी तरह के नंबर्स होते हैं। तो आई पी वर्जन 6 अभी आगे आगे जब पढ़ेंगे ना तो आपको, जब अभी तो हम आई पी वर्जन 4 इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आगे आगे हम आई पी वर्जन 6 भी इस्तेमाल करेंगे नेटवर्किंग के हवाले से बता रहा हूँ ये बात आपको मैं। जब हमने आई पी वर्जन 4 पढ़ा था तो उसमें तो आपको मैंने बताया किस की एग्जाम्पल है, वो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल है, लेकिन आपकी जो आई पी वर्जन 6 है वो आपके पास किस की एग्जाम्पल होती है, उसमें इस तरह से एड्रेस होता है आपके पास, आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ किस तरह से एड्रेस होता है, उसमें क्लासेस वगैरह नहीं होती है। A, B, 0, A, B, 1, 0, फिर लेके 8, 9, C, D, इस तरह से आपके पास होता है वो नंबर, आई पी एड्रेस जो होगा इस तरह से होता है। तो
तो ये अब ए बी से बना दिया गया है टेन है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में होता है ये। ए से बना दिया टेन हो गया, बी से बना दिया क्या हो गया इलेवन हो गया, ठीक है। और ये वन जीरो, ये टेन नहीं है, वन जीरो, ये वन अलग है और जीरो अलग है, ठीक है। फिर एट आ गया, फिर नाइन आ गया, फिर सी, सी से मैं मुराद किया यहाँ पर ठीक है ट्वेल्व, ट्वेल्व आ गया यहाँ पर, ये ट्वेल्व होगा यहाँ पर। और डी से यहाँ पर क्या है थर्टीन, तो यहाँ पर क्या होगा थर्टीन होगा। तो इस तरह से हमारे पास नंबर होते हैं। आपको फौरन बेस देखनी, देखें यहाँ पर वन लिखा हुआ है, ए लिख वन है, ए है, फिर वन है, फिर वन है, फिर फोर है, फिर डी है, ठीक है। ये 14 नहीं है, ये 1 अलहदा है, 4 अलहदा है, D है। तो D हमारे पास क्या है यहाँ पर 13, ठीक है। A यहाँ पर क्या है बस 10। तो इट फिर आप फौरन इसकी बेस देखिएगा, इसकी बेस क्या है 16 है। आपके पास यहाँ बेस जो लगी हुई है वो क्या लगी हुई है, आपके पास जो बेस लगी हुई है वो क्या लगी हुई है, आपके पास जो बेस है वो है आपके पास 16। तो आप फौरन बेस देख के पहचान जाएंगे भाई ये कौन सा नंबर है। हाँ ये तो हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। आपने फौरन 16 देखा, आपने बोला सर ये तो हेक्साडेसिमल नंबर है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि आपने बेस देख के फौरन पहचान लिया। तो आई होप कि आपको नंबर सिस्टम पर समझ में आया होंगे, ठीक है। कोई भी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा मैसेज, ठीक है, प्राइवेटली मुझे मैसेज कर दें, आपको वहाँ पर समझा दूँ कोई भी आपको कन्फ्यूजन होती है। और हमने इस वीडियो में तो ये देखा कि नंबर सिस्टम क्या है, ठीक है। हमने ये जाना कि कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी, फर्स्ट टाइप इसकी बाइनरी नंबर सिस्टम है, सेकंड इसकी डेसिमल है, थर्ड इसकी ऑक्टल है, फोर्थ वन इसकी कौन सी है हेक्साडेसिमल। तो हमने इसके बारे में पढ़ा ये कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक नंबर होते हैं, इनकी बेस क्या होती है। और मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताया, आपको डेली लाइफ में कहाँ दिख रहे होते हैं नंबर। अगले इसको हम कन्वर्जन सीखेंगे इसके। अब हमारे पास क्या टॉपिक है, सारा मैथमेटिकल काम आया आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी वीक की नेक्स्ट वीडियो में, जब नेक्स्ट वीडियो में आपको आपको मिल जाएगी, फिर दो वीडियो एक साथ मिलेंगी, उसमें आपको मिलेगा कि बाइनरी टू डेसिमल किस तरह जाएंगे। अगर हमको मिसाल के तौर पर आपको कोई नंबर दे दिया जाए, यहाँ पर मैं बोलूँ भाई ये नंबर आपको मिला हुआ है, ये नंबर है, पहले आप पहचानेंगे किस तरह, ये देखें मैं बोलूँगा ये आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। सॉरी आपको मैं बताऊँगा ये मैं आपको ये भी नहीं बताऊँगा डेसिमल नंबर सिस्टम है 1 2 5। अच्छा अब यहाँ पर ये एमएस वो है क्या नाम, ये नॉट पैड है, इसमें बेस नज़र नहीं आएगी, इसको समझिएगा बेस है ये। मैं आपको एमएस वर्ड भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आपको एमएस वर्ड भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें मैं आपको बोलूँ ये नंबर दिया हुआ है मेरे पास 1 2 5, ठीक है, और उसकी बेस मैंने लगा दी है 10, ठीक है। ये देखिए सॉरी बेस आ गई 10। मैं बोलूँगा आप मुझे इस नंबर को इसमें कन्वर्ट करें। अब मुझे नहीं पता आप खुद पहचाने कौन सा नंबर किस में कन्वर्जन मांग रहा हूँ आपसे। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ ये लिखूंगा कन्वर्ट दी फॉलोइंग, पेपर्स में इसी तरह होता है, ठीक है। आपको नंबर ये नहीं पता जाता कन्वर्ट दी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, आपको खुद पहचानना होता है, क्लियर है। आपको मैं लिखूंगा कन्वर्ट दी फॉलोइंग, ठीक है। आपको मैंने कन्वर्ट दी फॉलोइंग वाला क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपको बोला 125 जो है वो एक नंबर है जिसकी आप फौरन क्या देखेंगे बेस देखेंगे उसकी। आपने देखा जो आपने बोला बेस 10 है, इट मीन्स दैट ये बाइनरी में ये है कौन सा नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा यानी कि हमें डेसिमल नंबर सिस्टम सर ने दे दी है, आप इसका पहचानेंगे। आप देखेंगे फिर अच्छा कन्वर्ट किस में करना है, अच्छा इसको कन्वर्ट करना है किस में करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आप फौरन बेस देखेंगे पहचान जाएंगे बाइनरी, क्योंकि 2 किसकी बेस होती है बाइनरी नंबर सिस्टम की होती है, 2 बेस किसकी होती है बाइनरी नंबर सिस्टम की होती ना, किसकी बेस होती है 2 बाइनरी नंबर सिस्टम। आपने फौरन पहले नंबर देखा, आपने पहले नंबर देखा भाई अच्छा सर ने हमें जो नंबर दिया है उसकी बेस तो 10 लगी हुई है, इट मीन्स दैट वो कौन सा नंबर है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। फिर आपने देखा इसको कन्वर्ट जो करना है वो मुझे किस में करना है, वो मुझे करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में करना है, क्योंकि इसकी बेस क्या लगी हुई है वो 2 लगी हुई है, ठीक है। तो आप इस तरह पहचान लेंगे, जब आप पहचान लेंगे तो आप इजीली इसको कन्वर्ट, तो इसका तरीका है जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।